जा इधर, संजय इधर, दिस में बहुत संजय चलो भागो, चलो भाई नाश्ता, चलिए सबसे पहले तो बताइए कि इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है एक मजनू का है, एक आशिक का है, जो अपने प्यार के लिए कोई भी हद क्रॉस कर सकता है। आप अपने दो फिल्मों से चिकन लव शब्द चिकन खुराना और मस्तराम से काफ़ी चर्चा में आई, इस फिल्म से आपको क्या उम्मीद है? इस फिल्म से मेरी उम्मीद है कि मैं जो चर्चा में आया हूँ उस चर्चा के जो है पर्चे जो हैं हर जगह बढ़ जाएं। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों ने आपने पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके साथ सी द ओनली थिंग इज दैट इट्स माय प्रोबेबली luck, you will say, that I have always been associated to the people who are new and who probably want to do something really which is coming from their heart. So obviously, like, Anant is also a first time director and the producer is also the first time producer, which is, I think, in a way, which is a probably a good thing for a film, because ye log jab judte hain to wo kuch cheez dil se banana chahte hain, कुछ चीज़ जो है दिल से कहना चाहते हैं, और वो मेरे ख्याल से हमेशा से काफ़ी अपीलिंग होती है। इस फिल्म से की शूटिंग कहाँ कहाँ की गई? इस फिल्म की शूटिंग एक्चुअली जो कहानी है वो बनारस में और उसके आसपास के एरिया में बेस्ड है, तो जिसके लिए हम बनारस भी गए थे, एक महीने का शेड्यूल हमने वहाँ पर कम्प्लीट किया है। सतारा में हमने कुछ किया है, कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो लोग हम वाई के आसपास बॉम्बे के आसपास इंटीरियर वगैरह शूट करेंगे। इसके म्यूजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली म्यूज़िक जो है मैंने अभी रफ गाने सुने हैं, जिसमें से एक गाना हमने बनारस में शूट भी कर लिया है, तीन गाने और हैं, एक आइटम सॉन्ग है और दो गाने और हैं, तो एक अपने आप में इट इज़ अ फुल कंप्लीट एल्बम जिसे मैं बोलूँगा, और सारे ही गाने बहुत ही बढ़िया हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में हूँ, लेकिन रोहन एंड रोहन करके हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, दो रोहन हैं बेसिकली, तो उन्होंने इसका म्यूज़िक किया है एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग सुपर्ब, लाइक द यूथ द पीपल हु डिज़ायर फॉर सोलफुल म्यूजिक आर गोइंग टू लव इट। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने बनारस में एक महीने फिल्म की शूटिंग की, बनारस के लोग फिल्मों के हीरोज़ के पीछे दीवाना होते हैं, और आपने 80 घाट पर शूटिंग की, रामनगर का सीन जगह दिखाया है, रामनगर का लोकेशन दिखाकर जी, अब पब्लिक के बीच में रोड पर शूट कर रहे थे, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, अब क्योंकि शायद मैं थिएटर से आता हूँ, तो मुझे लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब इस तरीके की जगह पर आप जाते हैं जहाँ, जैसे कि बनारस है, जहाँ पर लोग वैसे ही बहुत ही शौकीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जिन्हें मज़ा आता है लोगों से बातचीत करने में, तो वहाँ जाके तो मुझे और भी मज़ा आया वहाँ के लोगों से कन्वर्स करने में। एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, जब आप पहुंचे थे तब हमारे मुख्य प्रधानमंत्री कोई और थे और आपके वहाँ रहते थे प्रधानमंत्री कोई और बन गए, क्या फ़र्क लगा उस उन चंद दिनों का अंतर का? मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उसी टाइम पे पीएम बने थे जब हम वहाँ शूटिंग करने जा रहे थे, तो एक्चुअली मेरा प्लान तो यही था कि मैं 4-5 दिन शूट पे पहले जाना चाहता था, क्योंकि मैं अनाउंसमेंट से पहले वहाँ पर देखना चाहता था कि किस तरीके का रिएक्शन बनारस के लोगों का होगा, बट खैर वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो एक अजीब सी एक एंथुजियाज़म, एक पॉजिटिविटी थी बनारस के लोगों में, क्योंकि मैं नाई की दुकान पर जाता था बाल कटाने के लिए या शेव कराने के लिए, तो वहाँ पर आपको असली खबरें सुनने को मिलती हैं, तो वहाँ पर जितने भी बनारस के लोग थे दे वर वेरी एंथू अबाउट द फैक्ट दैट नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द पीएम एंड दैट टू ही हैज़ वन द इलेक्शंस फ्रॉम बनारस, सो दे वर लाइक रियली पॉजिटिव अबाउट दैट देयर इज रियली गुड हैपनिंग। थैंक यू। थैंक यू। देखिए मेरी शुरुआत जो है पहले थिएटर से हुई थी, ठीक है, थिएटर्स के बाद में मैं एड फिल्म्स में भी गया था, फिर मैंने सीरियल्स में भी एज एन ईडी किया था, एज एन चीफ किया था, एप्लॉस के साथ काम किया है मैंने, फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम किया है, राइटिंग का काम किया था राश्री में जो विनय मुदगिल है उनके साथ मैंने काम किया था, इंटर्न भी बहुत सारे फेस्टिवल फिल्म्स किए हैं मैंने, फिर खुद मैंने FMCG एड्स के डायरेक्ट किया एड्स,
फिर बाद में ये राइटिंग करते करते फिर एडिट करते करते अभी ये फिल्म डेब्यू मार रहा हूँ मैं। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इस फिल्म के बारे में देखिए, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ये टाइम पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लिए मुझे थोड़ा सरप्राइज है ना सबको, क्योंकि लिए फिल्म थोड़ी सी अलग है, हट के। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना है पूरा पैकेज दे रहा हूँ मैं, और पूरा मसाला फिल्म में ही है। आप खुद नए एक डायरेक्टर हैं, हाँ, और आपका प्रोड्यूसर भी नए हैं, इनके साथ काम करने का मजा आ रहा है। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं अपने क्रिएटिव जितना मैं निकाल सकता हूँ उतना निकाल रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ शूट किया आपने? अभी तक हम लोग ने शूट किया है सातारा शूट किया है, फिर उसके बाद में बनारस शूट किया है, अभी मुंबई, फिर अभी वापस देखते हैं और कहाँ। कितनी पिक्चर बन चुकी है अब तक? मतलब कितना परसेंट पूरा हो चुका है? मोर देन 70% हो गया हमारा, गाने खाली बाकी हमारे और कुछ सीन्स बाकी है। और कब तक रिलीज करने का प्लान है? रिलीज का जो है अभी अगले साल, मतलब स्टार्ट ऑफ अगले साल। थैंक यू सो मच। आनंद जेतपाल, सर संजय जी आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपका मेन बिजनेस क्या है? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन फिल्म लाइन की बहुत चाहत थी, इसीलिए मैं ये नया मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपकी पहली फिल्म, और नॉर्मली ज़्यादातर लोग अगर जैसे आप महाराष्ट्रियन हैं तो लोग पहले कोशिश करते हैं कि मराठी फिल्मों से, आपने सीधे हिंदी सब्जेक्ट ही चुना, हिंदी फिल्म ही चुनी, इसके पीछे कोई खास कारण? हिंदी सिनेमा की चाहत सबको है और सबको अच्छी लगती है, मराठी मूवी भी करने का है, लेकिन हिंदी मूवी के लिए अभी कोशिश की है। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली ये बनारस बेस्ड फिल्म है और लव स्टोरी है, इसमें ड्रामा, फाइटिंग, सब बॉलीवुड मूवी है। और इसकी शूटिंग आपने बनारस में भी की है? इसकी शूटिंग बनारस में की, बॉम्बे में की, सातारा में की है। आपकी पहली फिल्म होते हुए भी आपने नए डायरेक्टर अनंत जयतपार को लिया, इसके पीछे कोई खास वजह? सबको कभी ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ती है, आनंद की ये पहली फिल्म है तो उसको एक मौका दिया, तो चलो उसका गुड लक। ओके नाउ बॉबी जासूस इज गोइंग टू अकॉम्पनी अस टू बिग सिनेमास। ये वापस से रही काम करने क्या करता है दादा? एक सेकंड दादा, आप डायलॉग पहले मत बोलो, चलो वीडियो। हर्ष किरदार के लिए तो चूजी तो होना पड़ेगा, अब डिपेंड करता है कि मुझे कितने ऑफर्स मिले हैं, उसके हिसाब से ही चूजी हो सकते हैं, क्योंकि एक हद के बाद तो एक्टर का भी चूजी हो नहीं सकता। किरदार की अगर बात करें, किस तरह किरदार है पूरी फिल्म और किस मैसेज को लेकर घूम रही है? ये जिस तरीके का टाइटल है इश्क मलंग, जो किरदार है वो इश्क में मलंग हो गया है और उसी में जो जो वो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, तो यही किरदार है। इश्क मलंग हुआ है ये लड़की के लिए, वैसे तो आजकल आप लड़कों के लिए भी मलंग हो सकते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में मैं लड़की को। एक्चुअली अगर उस लेवल पे देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है, और आपको जो लगेगा कि अगले सीन में अच्छा ये हुआ है, तो आपके अगले सीन में आपको ये लगेगा अच्छा फिर ये कैसे हो गया, तो ऑडियंस आगे क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है फिल्म का, एक सस्पेंस है, एक थ्रिल है जो कि हमेशा बरकरार रहेगा। अब मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो स्टोरी रिवील हो जाएगी, लेकिन ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ ये कैरेक्टर जो है किसी तरीके से एक सीक्वेंस है जहाँ पर किसी को ढूंढ रहा है वो, और उसको ढूंढते ढूंढते वो जेल में पहुँचता है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कहूँगा मैं ये रोल इसलिए था क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का रोल अभी तक किया। लव शव में एक बहुत ही एक
वो एक अलग तरीके का किरदार था जो कि पॉन लिखता था। इस फिल्म में जो कैरेक्टर है ये प्यार में फना, प्यार में मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसका एक अपना मजा था, अपनी ब्यूटी है, वो रोमांस। अरे हाय खड़े रहो यार सीधा, हाँ थोड़ा राइट में क्या लेके निकलेगी बस, और थोड़ा राइट पैकेज है ये, इसमें गाने हैं, इसमें मस्ती है, इसमें कॉमेडी है, इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिल है। मेरे ख्याल से आनंद जेतपाल जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं और शेखर जिन्होंने ये फिल्म की है, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट चुना जिसमें सब कुछ है। उधर तेल में है पास तो तुम्हारे पास में, हां 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 ये वाले एक बार बंद कर ऐड करो, बहुत हाथ से देखूंगा। वो गेट बंद करो, ये गेट खुला है, बहुत बड़ा गेट बंद करो। गेट मेरे ख्याल से इस उसके पास भी एक और हमारी फिल्म में पांच गाने हैं, बंदे में क्यों रख रहे उसी गेट पे, पांचों जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। एक बहुत ही पैपी आइटम नंबर है, बहुत ही फन मैरिज सॉन्ग है, एक बहुत ही सूफियाना टाइप का कैलाश खेर जी ने एक गाना गाया है, थोड़ा और एक रोमांटिक सॉन्ग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्बम है, बहुत ही मॉडर्न उसका इंटरप्रिटेशन गानों का। तो आई सपोज यूथ को भी मजा आएगा, सोल्फुल म्यूजिक है, एक ऐसा म्यूजिक है जो आई सपोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेजिड्यू छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपको महसूस करेगा अपनी गाड़ी में, अपने रेडियो में बार बार सुनने के लिए। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, फिल्म के आखिर तक जो सस्पेंस बना के रखा है ने बहुत अच्छा स्टोरी बनाया है, डायलॉग भी अच्छे हैं और दिलचस्प स्टोरी है। अभी तक ओवरऑल फिल्म किस तरह की बनकर तैयारी हुई अगर आप देखी होगी आपने? फिल्म से अभी तक 70% शूटिंग पूरा हो गया और जो प्रकार की जो तरह की शूटिंग की है, जो स्नैपशॉट लिए हैं वो काफी खूबसूरत लिए हैं। माशाल्लाह म्यूजिक की बात तो आप करेंगे तो आम आदमी के भी पैर थिरकने लगते हैं, इतना खूबसूरत म्यूजिक बनाया है। कब तक रिलीज करने का ईयर एंड तक फिल्म कंप्लीट होने का हमारा प्लानिंग है, उसके बाद रिलीज हो जाएगी। हर्ष जो काम कर रहे हैं मस्तान में काम कर चुके हैं, मस्तराम में काम कर चुके हैं, जब से चिकन कुरान में काम कर चुके हैं, काफी एक्टिंग देखने लायक है, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। फिल्म का स्टोरी बहुत अच्छा है, फिल्म का स्टोरी बहुत अच्छा है, कास्ट एंड क्रू बहुत अच्छा है, म्यूजिक के बारे में बताया जाए तो म्यूजिक रोहन ने कंपोज किया है, तो म्यूजिक में चार सॉन्ग्स हैं, एक आइटम सॉन्ग है जो ममता शर्मा ने गाया मुन्नी बदनाम फिल्म, और बाकी एक कैलाश खेर ने गाया, एक दिव्य कुमार हवन करेंगे फिल्म, मैंने एक नीति मोहन सॉन्ग प्ले किया है, और म्यूजिक तो इतना आप सुनोगे तो मतलब सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना अच्छा म्यूजिक है। स्टोरी भी बहुत अच्छा है, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अगर बात करूँ फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? जल्दी जल्दी करो। फिल्म की शूटिंग स्टार्टिंग में मई अप्रैल और मई में सातारा में हुई थी, उसके बाद में बनारस में शेड्यूल लगा था 30 डेज का, और अभी मुंबई में आसपास के यहाँ पे ही शूटिंग चल रही है। अभी तक तो 60-70% कंप्लीट है। कब तक रिलीज करने जा रहा है? जल्द से जल्द, जैसे काम हो जाए वैसे। रोलिंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि 70% कंप्लीट हो गई फिल्म। हाँ हाँ। और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फिल्म को लेकर और क्या छुपा रहे हैं? देखो छुपाना तो ये तुम्हें पहले से बोलते हैं सारे प्रेस वालों को कि मैं स्टोरी अभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी है सारा सरप्राइज है, क्योंकि मेरी स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस है, मतलब मैं बोला तो मैं पहले से मतलब पूरा पैकेज दे दूंगा मैं आपको, है ना, तो उसमें हर चीज अपना मसाला फिल्म मिल जाएगी।
वही कहना है, तो मैं सरप्राइज ही हमेशा कहूंगा क्योंकि वो उस पर थोड़ा क्यूरियोसिटी ज्यादा रहेगी ऑडियंस की मेरे। अभी थोड़ा सिक्सटी को बाहर लो, मतलब अंदर लो, सॉरी अच्छा थोड़ा राइट में, जेल में है अभी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट, तो जेल में आना पड़ा मुझे भी। राइट राइट देखिए मेरे फिल्म में जितना भी सीन्स है, अगर मैं कुछ भी बोलूं मतलब हर एक सीन इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, मतलब हर एक सीन इम्पोर्टेंट है फिल्म के हिसाब से, क्योंकि हर सीन के बाद कुछ नया होने वाला है, तो फिर जब आप देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। देखो जो मेरी उम्मीद से मतलब मैंने जो सोचा था उसने उसे मुझे ज्यादा दे दी है, मतलब वो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है। फिल्म का म्यूजिक देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी गाने बनाए हैं, तो एक में हमारा दिव्य कुमार ने गाया हुआ है, एक निधि मोहन है, फिर अभी हाल फिलहाल में मैंने आइटम सॉन्ग जो है मैंने ममता शर्मा से गाया है, तो कैलाश खेर से भी मैंने एक गाना गाया है, तो जितने भी है सारे लेजेंड है मेरे का इसमें। नहीं हर कोई बोल सकता है वो अपनी फिल्म है, हर कोई अपना नाम कमा सकता है इस फिल्म से, ये हर एक के लिए फिल्म बनाई हुई है। फिल्म तो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, दो महीने के अंदर ही मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बारिश चल रही है तो मैं थोड़ा सा उसके लिए रुका हूँ, तो बाद में उसका शेड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गाना तो मैं चालू रहेगा मेरा, फिर उसके बाद में जो रिलीज रहेगी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग दिसंबर तक हमारा गाना लॉन्च करें, फिर उसके बाद में हम लोग अगले साल स्टार्टिंग में हम लोग का रिलीज करें। वो बोलते ना हंसी के साथ साथ हर चीज मिल जाएगा उनको, मतलब बोलते हैं एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाएगा, खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।